एक सरप्राइज आने वाला है, वो हम बहुत बड़ा सरप्राइज है। बस जिताते रहना, जिताते रहना और जिताते रहना। तो गाइस गेट रेडी फॉर दैट, मतलब इंटरेस्टिंग राइड की सबसे बड़ी राइड होने वाली है कि अंकल आंटी इसको अनबॉक्स करेंगे इसी वीडियो में। शॉर्ट राइड होगी अंकल जी के साथ, और सोचो ना भैया के भी पापा राइड पे आ रहे हैं। सो हेमलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आज का व्लॉग हो रहा है मेरे घर से शुरू। एक्चुअली भव्या कल अपने घर चली गई थी, उसकी मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब थी, आज वो नहीं आएगी यार, अपनी थोड़ी मम्मी के साथ है, उनका ख्याल रख रही है। और आप लोग बताओ, आप सब कैसे हो? आज तो आपको पता है कि एक बिग सरप्राइज आने वाला है, वो हम आज अंकल आंटी जी के साथ अनबॉक्सिंग करेंगे, वो आपको दिखाएंगे कि वो बिग सरप्राइज क्या है। और मैं जा रहा हूँ अंकल आंटी के पास, दुष्यंत भव्या को छोड़कर रात को वहीं पर रुक गया था और अब वो वहां पहुंच गया होगा, तो आपको मिलाता हूँ आंटी अंकल से। और गाइज मैं जस्ट निकल ही रहा था और ये देखो थार्मिक मेरी वार्निंग आ रही है, किसी चीज की वार्निंग दे रहा है, शायद ये दे रहा है एयर प्रेशर की वार्निंग। टायर में ना हवा थोड़ी कम है, आई थिंक उसमें पंचर, उसको भी दिखाना पड़ेगा, वो भी लगवाते हैं। निकलता हूँ, मिलते हैं आपको अंकल आंटी जी के साथ। तो यार मुझे भी प्रणभे का कॉल आया था कि जो सरप्राइज की बात कर रहे थे हम, वो प्रणभे ने फाइनली पिक कर लिया है और हमें प्रणभे के पास जाना है। उनका भी कॉल आ रहा है कि यार कहाँ पहुंच गए, कहीं जल्दी आ जाओ। तो दुष्यंत अंकलर के घर पे पहुंच गया है मैं और दुष्यंत जा रहे हैं प्रणभे के पास। पहले आपको आंटी अंकल जी से मिलाते हैं, फिर जाते हैं प्रणभे के पास, देखते हैं वो सरप्राइज क्या है। वैसे अनबॉक्सिंग तो आंटी अंकल से ही होगी, दिखाते हैं आपको। तो हाँ जी, मैं पहुंच गया था आंटी जी के घर पे और ये देखिए चल रहा है यहाँ पर काम। हेलो सेंडू, सेंडू देख रही है कि काम भाई, यार काम कैसे कर रहे हैं। ये स्वागत किया है जूलू जी ने। हेलो जूलू भाई साहब जी, कैसे हो? तुम कैसे हो? बढ़िया। कहाँ से आ रहे? घर से। और आंटी जी बाहर काम किसी चीज के लिए चल रहे हैं? टायर लगाने, थोड़ा टूट गया था ना। हाँ, तो टायर लगा रहे हैं। अच्छा, और भव्या से बात हुई? वो चेक करिए, हमारी रेड वाली थार आ गई है और रेड वाली थार को हम पार्किंग गाड़ी कर रहे हैं, फिर चलेंगे मेरी थार से। हाँ जी कैसे हो? चलो पार्किंग में मिलते हैं, मैं भी लेकर आ रहा हूँ थार, वहीं फिर वहीं से निकल जाएंगे। चलो हम मिलते हैं आपको प्रणबे के पास। ठीक है आंटी जी, वेट कर रहा हूं, बाय बाय, जल्दी आना। हाँ, और वो सरप्राइज लेकर आते हैं आपके पास, देखते हैं क्या सरप्राइज है, हम भी देखते हैं क्या है। प्रणबे भी एक्साइटेड हो रखे कि जल्दी आ जाओ, हम भी आ रहे, तुम भी आओ। हाँ, वो तो आते ही नहीं, बोलो कि प्रणब भैया घर आओ। घर आओ भाई, तुम तो जिसने भैया गया तो आना ही छोड़ दिया, नहीं आ रहे भाई। प्रणब भैया इतने गोलीबाज है ना, घर ही नहीं आ रहे भाई, तब से गए और वो भी गए। अब जब रहता था तब आते थे, अब वो भी गया तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे भाई। क्या पता मैं अभी लेकर ही आऊंगा, लेके आना। ठीक है, चलो घर, चलो ठीक है, चलो मिलते हैं आपको। तो यार दुष्यंत पहुंच चुका है पार्किंग पे, मैं भी इसको पिक करता हूं और फिर हम चलते हैं। यार दुष्यंत कर रहे हैं थार को पार्क और फिर हम जाएंगे मेरी थार से। अनुराग की हमने दोनों गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है पार्किंग में, देखो हमारी हाइलक्स और थार यहाँ खड़ी हो गई है। और गाइज अंकल जी भी घर पे नहीं थे, अंकल जी भी थोड़ा घर का काम चल रहा है, थोड़ा सामान वगैरह लेने जा रखे हैं बाहर, तो वो भी थोड़ा लेट आएंगे, इसलिए हम पहले हम प्रणबे के पास होकर आ जाते हैं जो सरप्राइज। और मैं बस चाबी देने आया था और यहाँ पर आ चुके हैं अंकल जी भी, मिलाते हैं आपको अंकल जी। आज तक आप केवल डायमंड की रिंग लाते थे, हम डायमंड की चीजें पत्थर को काटने के लिए ला रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल जी, ठीक हो? क्या चल रहा है आज काम? ये देखो, ये आपके बैठने के लिए हम यहाँ कमरा बनाएंगे, आपकी अभी से अंदर की एंट्री बंद हो जाएगी। ठीक है ना, टीवी भी लगने वाले हैं, फिर लगा देंगे। चल तूने बोल दिया, ये मेरी तरफ से। ठीक है, कहाँ पे लगेगा टीवी? उधर या उधर? कहाँ पे लगाना है आप बताओ, आप बताओ ना। मैं दोनों प्रोजेक्टर लगा देते हैं, सीधा ऊपर से देखेंगे, लेट के चलो फिर। अंकल जी भी जा रहे हैं, अंकल जी भी ये चीज लाए हम आपके। ये वॉश बेसिन, ओके। ये जब तक तुम्हारा बाबू भाई बाहर है ना, तब तक यहाँ घपला कम होगा ना यहाँ। अच्छा, अच्छा। नहीं तो वो तो आते रहेंगे, उसके तब काम नहीं हो पाएगा ना। ठीक ठीक है, काम तो होगा। चलो अंकल जी फिर हम भी निकलते हैं, ठीक, हम भी लेट हो रहे हैं। जा रहे हो अभी? कब चले जाओगे? हाँ, मैं तो अभी जा रहा हूँ। चलो और अब मैं आऊँगा 11-12 बजे। पिछली बार वो जो आपने पहली बार पहले हफ्ते में जिताया था, दूसरे हफ्ते में जिताया, जो भी हफ्ते आते रहेंगे, बस जिताते रहना और जिताते रहना। ये प्रूफ कर देना कि एक मिडिल क्लास का लड़का कहाँ तक पहुँच सकता है, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए सारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप बाबू भैया से ऊपर जाओ, ठीक है? थैंक यू, ओके अंकल जी, बाय बाय। चलो गाइज, और अंकल जी भी निकल जाएंगे आज और हम भी जाते हैं। प्रणभे भी हमारा वेट करे, प्रणभे की कॉल आ गई थी, लाते हैं आपको प्रणभे से। और अभी पता है तुम्हें, दुष्यंत जहाँ तुम बैठे हो वहाँ मैं बैठा होता और भव्य इधर बैठी होती। यार अभी ना वो नहीं है, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है ना, तो हम उसको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। क्या दुष्यंत तुम गए थे? ठीक है आंटी जी, कल रात को जब जैसे ही पहुंचा था यहाँ पे, तो मेरे को समझ नहीं आया कि रो क्यों रही है। पहले तो बता नहीं रही थी भव्य की हुआ गया, फिर बताया उसने मुझे
कि ऐसे थे, उसकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी और पता है वो पूरे रास्ते रोती ही जा रही थी यार। समझाई मैंने उसे, पर माँ बाप चीज जैसी होती है, खासकर मम्मी ऐसी चीज होती है कि अगर वो बीमार पड़ती है ना तो पूरा घर में से सुनना लग जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। बाकी देखते हैं गाइस, तुम लोग भी सब लोग प्रे करो कि उसकी मम्मी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और वो फिर हमारे साथ दोबारा से गाड़ी में घूमे। फिर हम तीनों घूमेंगे, फिर हम तीनों साथ घूमेंगे। अभी तो मिस कर रहे हैं, मैं आया तो भव्या चली गई और वो भी मिस कर रही होगी, लेकिन उसको अपनी मम्मी के पास भी रहना थोड़ा जरूरी है। और दुष्यंत तुम्हें एक चीज पता है, अंकल से अभी मेरी बात हुई। क्या पूछो? किस रिगार्डिंग बताओ? अंकल जी बोल रहे हैं कि राइड करने के लिए उत्तराखंड में छोटी सी, तो अंकल जी 10 के बाद बोल रहे हैं करने के लिए बाइक राइड। हाँ बाइक राइड सच्ची में? हाँ सच्ची में, मैं भी बाइक चलाऊंगा ठीक है, और लद्दाख वैसी वाली नहीं चलाऊंगा, मतलब मैं चला लेता हूँ ठीक। जीरो तो ठीक होने गई है, इसी शर्त पे हो ना कि तुम नहीं गिराओगे? नहीं हाँ, इसी शर्त पे मिलेगी तुम्हें ठीक। मजा आएगा ना राइड करने पे? हाँ यार, और अंकल जी भी हमारे साथ हो रही है ना, तो गाइस गेट रेडी फॉर दैट, मतलब इंटरेस्टिंग राइड की सबसे बड़ी राइड होने वाली है अंकल जी के साथ। बट सोचो ना भैया के भी पापा, इस राइड के लिए कौन कौन जा रहा है, कैसे कैसे जा रहे हैं, मतलब बाइक कौन कौन सी जा रही है वो हम आपको आगे बताएंगे जैसे भी होता है। तो गाइस पहुंच चुके हमारे द्वार प्रणव भैया के पास, मिलाते हैं आपको प्रणव भैया से। ये रहे हमारे प्रणव भैया, कहाँ पर है? हम तो प्रणव भैया की शॉप ही भूल गए। ये रहे हमारे। तो गाइस ये देखिए कौन है प्रणव भैया, कैसे हो आप? बस बढ़िया भाई, आप सुनाओ। आंटी याद कर दी आपको, उस दिन आया बस, जिस दिन अनुराग गए उसके बाद आए नहीं भाई, तो काम भी तो पीछे से इतना देके चले गए ना अनुराग, वो भी तो करना है। आंटी ने क्या क्या बोला हुआ है? अच्छा मेरे लिए बुला रही हूँ आपको? नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं अभी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ ही। हाँ अभी वो तो बोल रहे थे चल रहे हो। चलो मेन मुद्दे पे आओ भाई, अनुराग के लिए सरप्राइज है। तुम्हें क्या है? हमें खुद नहीं पता। क्या ब्लॉगर बनेगा तो मेरे को तो पता ही है। क्या चीज है उसके लिए है बताओ, इसमें क्या हो सकता है? बताओ क्या हो सकता है, गेस करो इसमें क्या हो सकता है। क्या हो सकता है इसमें, सोचो क्या हो सकता है। लैपटॉप इसमें है, ये अखबार एक और अखबार, ये वैसे खाली है बट मेन चीज ये है। गाइज अभी तो आप हमें देख ही रहोगे ना व्लॉग में, हमारे व्लॉग तो आपको बोरिंग लग रहे होंगे ना, पता ना प्रणव भैया जो आपको दिखा रहे हैं ना कर रहे हैं वो कैसे लग रहे होंगे ये देख लो थोड़ा सा। और ये रहा गाइज वो सरप्राइज, ये खुशियों का, इसको अंकल आंटी जी से कराते हैं ना अनबॉक्सिंग। अंकल आंटी करेंगे इसे अनबॉक्स, मैंने भी अभी तक नहीं करके देखा वैसे, अगर कुछ ना निकला अंदर तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। गाइस मोटी बात ये है कि ये 3 पेटी से ऊपर का माल है, तो कमेंट में बताओ क्या हो सकता है। वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो, हमारी थोड़ी सी ट्रैक्शन बढ़ाओ भाई यूट्यूब की। और दूसरा ये है भाई कि अंकल आंटी इसको अनबॉक्स करेंगे इसी वीडियो में, तो जाके देखो और बताना कैसा लगा सरप्राइज। तो यार हम निकल रहे हैं प्रणव भैया के ऑफिस से, चलो भैया बाय बाय। ओके गाइस टेक केयर, बाय बाय। आप तो जल्दी, मैं आ रहा हूँ आज ही आता हूँ। चलो बनाओ दुष्यंत पनीर 2 प्याजा। ओके ध्रुव भाई बाय बाय। चलो हमने उठा लिया है सामान, हम निकलते हैं और मिलाते हैं आपको आंटी जी से, अंकल जी तो चले गए होंगे। तो यार हम थोड़ा सा लेट हो गए, एक्चुअली हम खाने के लिए रुक गए थे, दुष्यंत को खाने थे गोलगप्पे और उसने 2 प्लेट गोलगप्पे खाए हैं बैंग। चलो पहुंचते हम घर, बाकी मिलाते हैं आपको आंटी जी से और वो सरप्राइज जो आ रखा है वो भी अनबॉक्स करना है और आपको भी दिखाते हैं। तो यार पहुंच चुके हैं हम आंटी जी के घर पे एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज लेकर। आंटी जी आ गया सरप्राइज जी, प्रणव भैया यहाँ से लेट ही निकले और दुष्यंत को कुछ गोलगप्पे खाने थे। अब आंटी जी से कराते हैं एक्चुअली इसमें है क्या, सब एक्साइटेड हो रखे देखने के लिए। आपको तो पता ही लग रहा होगा देखकर ही इसमें क्या होगा, बॉक्स में बैग भी आ रखा है तो बताओ इसमें देखो क्या होगा, इसमें चेक करो क्या है बताओ। चलो असली सरप्राइज तो आंटी जी को पता नहीं किसमें, असली सरप्राइज तो इसमें है। इसमें कब आ रहा था क्या इसमें? चलो आंटी जी ये ऊपर को उठा दो पूरा, पूरा उठा दो। अगर मेरा हाथ कटा हुआ ना। ओह ये क्या है? ये था सरप्राइज तुम्हारा, प्रो मैकबुक प्रो। भाई साहब मैं तो बोल रहा था लैपी होगा, लैपी होगा ठीक है लैपी था, लेकिन मैकबुक प्रो है ये नहीं पता था। ये सबसे महंगा लैपटॉप है तक का। चलो तुम्हारे भैया का, ये हमारे बाऊ भैया का सरप्राइज है, आप आंटी जी करिए इसको अनबॉक्स। ये बेचारा वो तो अपना हुआ है, अब आंटी करेगी। आंटी आप एडिट करना सारे व्लॉग से ठीक है, तो आप देख कौन से मैं ही बैठ रही हूं, तुम्हारी सबकी छुट्टी तो बोलेंगे आंटी अब आप से आप ही करो रोज। ओ खोले, हां अब खोलो, खुल जा भाई। ये चेक करेगा गाइस, ये लोगों तो सबने देखा ही है। आंटी निकालो बाहर, तो जानना पहचाना लोगो है। और ये चेक करिए, ये उतारो आंटी आप, ये उतारो जरा उतारो, इसे पैकिंग की बड़ी शानदार है अंदर से क्या होगा, फट गया तो क्या होगा, ये फट गया ना वो
ये देखो न्यू मैकबुक प्रो चार्जर वार्जर तुम्हें तो इन चीजों को देख के भी डर लगे मस्त भाई। अंकल जा रहे हैं परसों और बाकी हमें तो यूज करना नहीं आता मैकबुक वगैरह, अंकल ही चलाते हैं तो अंकल ही को पता है और अंकल को ही पता है कि कैसे यूज करना है। तो आंटी बोल रही है कि तुम्हारे अंकल ही ये अनबॉक्स करेंगे। मैंने इतना खोल दिया पैक का काम, तुम्हारे अंकल दिखाएंगे ठीक है। मैंने खोल दिया, कैसा लगा तुम्हें? मैं तो पहली बार देख रही। 15 को पता है इसका ये मैकबुक प्रो ऐसे करके आया, वो बेचारा अंदर से कट बजा रहा है, पता चलेगा जो ये आ रही उसी कैसे पता चलेगा। ये सरप्राइज हो रहा है उसका बंद और ये भैया को आने के बाद मिलेगा। ये तो हो गया अनबॉक्सिंग ठीक है। और आपको पता है हम जा रहे हैं अंकल की बाइक लेकर। अच्छा जो अंकल तो पपिया तो आंटी माए ना करके उसकी मम्मी की तबियत करके खराब है। मैं और दुशन लेकर चलेंगे वहाँ से बाइक अंकल की, उसी दिन मिल जाएगी ना बाइक तो मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर आपको कल कावासाकी के शोरूम में मोटो व्लॉगिंग के सेटअप, न्यू मोटो व्लॉगिंग के सेटअप के साथ। तो ये बातें तो चलती रहेगी। अब आंटी जी से पूछे कि वो अनुराग के लिए थोड़े से कुछ वर्ड्स बोल देंगी। मैं यही वर्ड बोलूंगी, पहले वो कितना परेशान था, मुझे भी यहाँ से दुख हो रहा था कि कैसे करेगा वो, इतने आगे तक जाएगा कैसे गेम खेलेगा वो। पर अब ये मैं खुश हूँ उसके उससे गेम से कि अच्छा खेल रहा है, बोल भी रहा है, जहाँ उसको प्रॉब्लम हो रही हो बता भी रहा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम, पर अच्छा खेल रहा है ये, इससे मैं बहुत खुश हूँ। खुश रहे बस, बहुत खुश रहे। और वो खुश है तो मैं भी खुश। यहाँ से मम्मी पापा भरोसा ना सब देख रही ना, वो नहीं देख रहा पर सब लोग तो देख रहे हैं, उनकी टीम भी भरोसा ना सब देख रही ना, वो खुश रहेंगे तो ये लोग भी खुश रहेंगे। मेन पॉइंट तब तक के लिए बी सेफ एंड राइट सेफ। सफर पर